कलीम अल्लाह व जनरल सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जनाब जानी मियां साहब, जनाब जी वी नायडू साहब, बजाज साहब, अफजल साहब, श्री सलम साहब, दिगर मजलिस कायदीन, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हजरात, आज का जलसा हालात हाजरा पर उन्वान है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन साल के 12 महीने आपके सामने, शहर के, आपके शहर के, आपके सूबे के, आपके हिंदुस्तान के हालात जो कुछ भी हो आपके सामने रखती है। हजरात, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मरहूम सदर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने दिन रात मेहनत कर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को आज यहाँ पर मकबूलियत छोड़कर हमारे बीच से चले गए। हजरात, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मरहूम सदर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की दूरअंदेशी का नतीजा था कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आज यहाँ पर एक ताकतवर मौकफ बनकर हैदराबाद आंध्र प्रदेश की नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के अंदर एक ताकतवर जमात बनकर उभर रही है। आज मुसलमानों को जरूरी है कि आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को और ताकतवर बनाए और हजरत असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करिए। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब दिन रात आपके सामने मेहनत कर रहे हैं। आज बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड मिला है असद साहब को। यह आपका हमारा मेहनतों का नतीजा है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आज यहाँ पर हजरत असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में आगे बढ़ रही है। आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की लड़ाई आरएसएस से है, बीजेपी से है, विश्व हिंदू परिषद से है, बजरंग दल से है, कई जमातों से है जो आज सिरे पर ताकत है एक तरफ और आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक तरफ। आज आप गौर करिए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हर वो चीज में आगे बढ़ी है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आज आपके सामने आज गाड़ी के मैदान में कई सारे ऐसा से जात है तो शहर के मैदान में दवाखाने हैं तो माशी मैदान में बैंक है। ये सब मरहूम सदर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की दूरअंदेशी का नतीजा है। मेरे वालिद मोहतरम मरहूम सदर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब के बहुत करीबी थे। आज मुझे इसीलिए मालूम है, अहमद पाशा कादरी साहब फरमा है यहाँ पर उनको बड़ी करीबी थे। आज उनको मालूम है, आज पुरानी नस्ल जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को जानती है वो सबको मालूम है कि मरहूम सदर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी दियानतदारी और ईमानदारी के साथ मिल्लत इस्लामिया का काम करते हुए चले गए। आज आपसे यही गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को ज्यादा से ज्यादा आज वोट देकर हल्के सिकंदराबाद पार्लियामेंट से मजलिस उम्मीदवार को कामयाब करे और बरसर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करिए। तो दूसरी तरफ आज हमारे सामने हबीबे मिल्लत जो ऐवान असेंबली में आज ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो आज सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये चाह रहे हैं कि आज अकबरुद्दीन ओवैसी जैसा कायद उनके पास हो। आज ये देखिए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की दूरअंदेशी का नतीजा है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आज यहाँ पर ताकतवर मौकूफ बनकर उभर रही है। आज दरअसल असदुद्दीन ओवैसी साहब 30 करोड़ मुसलमानों की क़यादत कर रहे हैं, चाहे वो आसाम क्यों ना हो, गुजरात क्यों ना हो, हर जगह दरअसल असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के काम के लिए मुसलमान जब भी आवाज़ दिया दरअसल असदुद्दीन ओवैसी साहब हाजिर हुए। और दरअसल असदुद्दीन चाहे वो घुमरा हो, इशरत जहाँ का मसला हो, दरअसल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐवान पार्लियामेंट में इस ये मसला उठाया। तो आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की लड़ाई बीजेपी से है, नरेंद्र मोदी से है। आज नरेंद्र मोदी गुजरात का चीफ मिनिस्टर, आज वजीर उस्मा का उम्मीदवार बीजेपी का बनने की ख्वाहिश कर रहा है। आज नरेंद्र मोदी से आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की लड़ाई है। तो आप पर ये लाजिम है हर वो मुसलमानों पर कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को आज आप भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। हर बच्चे बच्चे को निकल कर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में वोट डालना है। इंशाअल्लाह ताला सिकंदराबाद हलका जीत चुकी है मजलिस, भारी अक्सरियत से जीतना है। ओवैसी खानदान जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन फैंदाबाद।